प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं, किसी के मरने की कामना करते हैं और सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ मुहावरा था। राजीव, बिल्कुल हैरत होती है कि इसको सिर्फ मुहावरा कहा दिया जो है कहा गया। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर रिएक्ट किया है, उन्होंने बयान जारी किया है, सुनाते हैं। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है या उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है, 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था, 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज यह बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। महाराष्ट्र में नागपुर के पूर्व सिटी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, और ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं जिनको दोहराया भी नहीं जा सकता। और उनके साथ उस समय महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के दो वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। ये खुली धमकी एक पैटर्न है, एक डिजाइन है। कांग्रेस पार्टी 3 दिन से लगातार कॉन्फ्रेंटेशन कमिटी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंटेशन कमिटी बन चुकी है। सड़कों पर वायलेंस कर रही है, आगजनी कर रही है, टायर जला रही है, असम में पुलिस को मार रही है, बैरिकेड तोड़ रही है, किस प्रकार से हुड़दंग मचा रही है, दिल्ली को पूरा बंधक बना दिया है, मुंबई की सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को ओपन थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, इसके खिलाफ क्या महाराष्ट्र की पुलिस कार्रवाई करेगी?